अप्रैल मई में लॉकडाउन ने अप्रैल जून तिमाही में अर्थव्यवस्था के तमाम आंकड़ों को औंधे मुंह लुढ़का दिया है। लेकिन इसी तिमाही में से अगर अप्रैल मई को माइनस करके केवल जून को देखा जाए तो अनलॉक वन के आगाज ने इकोनॉमी में जून के बहाने जोश भर दिया है। जून के रिजल्ट्स काफी पॉजिटिव दिख रहे हैं। जीएसटी में भी बहुत ज्यादा सुधार है। पिछले साल की नंबर्स के आसपास जीएसटी पहुंच चुका है। मुझे लगता है कि लोगों को और बिजनेसेस को वापस इन्वेस्टमेंट शुरू कर देनी चाहिए। डिमांड क्रिएट होते ही इकॉनमी अपने ट्रैक पे जल्दी वापस आ जाएगी। दरअसल जून के जितने भी आंकड़े आए हैं उन सब से साबित हो रहा है कि इकॉनमी दोबारा पटरी पर लौटने लगी है। इस संकेत की सबसे बड़ी मिसाल है जीएसटी कलेक्शन, जो जून में 90,917 करोड़ हो गया। इसके पहले अप्रैल में 32,294 करोड़ और मई में 62,009 करोड़ था, जबकि जनवरी में जीएसटी कलेक्शन 1,10,000 करोड़ था। हालांकि अप्रैल मई के खराब प्रदर्शन के चलते इस साल की पहली तिमाही में जीएसटी कलेक्शन पिछले साल की पहली तिमाही के मुकाबले 41% कम रहा। यही नहीं, ई वे बिल की संख्या तो बढ़कर मार्च के आंकड़े के नजदीक पहुंच गई है। जनवरी में ई वे बिल 56.9 मिलियन थे, जो अप्रैल में घटकर महज 8.6 मिलियन रह गए। इसके बाद मई में ये बढ़कर 25.4 मिलियन हो गए, जबकि जून में ये आंकड़ा 39.6 मिलियन पर पहुंच गया, जो मार्च के 40.6 मिलियन के काफी नजदीक है। इसके अलावा भी कई इंडिकेटर साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था ने जून में करवट बदली है। इसके कई आंकड़े प्री कोविड स्तर यानी मार्च को टक्कर देते नजर आ रहे हैं। अगर बात करें परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स की, तो जून में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 47.2 रही, जबकि इसके पहले अप्रैल में ये 27.4 और मई में 30.8 थी। जनवरी में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 55.3 थी। अगर पीएमआई 50 से ज्यादा है तो ये तेजी का और 50 से कम में मंदी का संकेत माना जाता है। इसके अलावा भी कई आंकड़े जून में आई तेजी की बात बता रहे हैं। जून में बिजली की खपत में इजाफा हुआ है। मनरेगा के तहत रोजगार मांगने वाले मजदूरों की तादाद 7.3% घटकर 3,30,00,000 की जगह 3,06,00,000 रह गई है, यानी उन्हें औद्योगिक यूनिट्स में काम मिलने लगा है। इसके साथ ही 5 जून को खत्म पखवाड़े में बैंक क्रेडिट भी बढ़कर 32,022 करोड़ रहा है। फ्रेट लोडिंग भी मई के 82 मिलियन टन के मुकाबले बढ़कर जून में 93.27 मिलियन टन पर पहुंच गई। इसके अलावा भी आरटीओ टोल कलेक्शन के डेटा भी तेजी आने की बात कह रहा है। बेरोजगारी दर भी लॉकडाउन के 23% से घटकर 11.1% रह गई है। इसके साथ ही जून में कारों की बिक्री भी मई के मुकाबले उछाल मारने में कामयाब रही है। उम्मीद है कि अब ये सिलसिला नहीं थमेगा और अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों को छूने में सफल रहेगी।